असल में एक मन में था, पर इसको और आगे बढ़ाया जो हमारे मंच पर विराजमान हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। करीब 1.5 साल या 2 साल पहले ऐसे ही बात करते करते सेंट्रल लाहौर में उन्होंने कहा कि मैं जहाँ भी जाता हूँ हिंदी भाषी इलाकों में उड़ीसा का वीर गाथा, उड़ीसा का त्याग और तपस्या का जो इतिहास है ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं। हम तो बस उड़ीसा में ही इसके बारे में चर्चा करते हैं, तो जो हैं विभिन्न यूनिवर्सिटी में वो शायद जानते होंगे, पर ज़्यादातर लोग उड़ीसा के पूर्णांग इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं हम करते कि पिताजी के जो उड़ीसा इतिहास का किताब उड़िया में छपी है और अंग्रेजी में छपी है उसका हिंदी अनुवाद करें। मैंने कहा ये एक बड़ी प्रोग्राम है, पर हिंदी में अनुवाद करेगा कौन? और ये कोरोना काल में डॉक्टर शंकरलाल पुरोहित यहाँ विराजमान है, अपने बेटे के पास वो हैदराबाद में ठहरे थे, बस ऐसे ही बात करते करते उन्होंने कहा, मैंने कहा, अनुरोध किया कि ऐसा एक प्रोग्राम है आप करवा सकते हैं, 80 साल के हैं वो, पर वो चैलेंज स्वीकार किया। और पहले कहा कि पहला खंड मैं पहले कर लूँ, फिर बाद में दूसरा और तीसरे खंड के बारे में सोचूंगा। पहला खंड जब 3 महीने के बाद हो गया संपूर्ण, तो उन्होंने कहा सेकंड द्वितीय भाग और तृतीय भाग को हमारे पास भेज दीजिए। और 3 भाग संपूर्ण हो जाने के बाद हमारी जो फाउंडेशन है पिताजी के नाम से 1987 से, वो उसका प्रकाशन दायित्व लिया और किताब सामने आ गया। इसी बीच मैंने आपके जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी से मैंने एक निवेदन किया था कि इस तरह का, क्योंकि उनका रुचि इतिहास में है, विशेषकर प्रांतीय इतिहास के बारे में उनका एक सोच है, शायद आज वो बताएंगे। भारत का इतिहास सिर्फ दिल्ली का इतिहास नहीं है, भारत का इतिहास हर एक राज्य का इतिहास है, उसका समाहार ही भारत का इतिहास। और आज ऐसे एक संजोग है कि हम डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में बैठे हैं, जिनके नाम पर ही इंटरनेशनल सेंटर बनी है। डॉक्टर पिताजी का और उड़ीसा का एक गहरा संबंध भी है, संजोग की बात है। संजोग इसलिए है कि जब अहमदनगर फोर्ट में पिताजी करीब 3.5 साल बंदी थे, उसी समय अखबार में उन्होंने देखा, पढ़ा कि दामोदर वैली प्रोजेक्ट बनने जा रहा, तो उन्होंने एक चिट्ठी, क्योंकि उस समय पाबंदी थी, अपने निकटतम परिवार के निकटतम व्यक्ति को ही वो चिट्ठी लिख सकते हैं, तो माताजी को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी कि जाके ठक्कर बापा जी से मिलो और उनको कहो कि वो जाए और डॉक्टर अम्बेडकर जी से मिले दिल्ली में, और उनको कहना कि उड़ीसा क्या इसी तरह बाढ़ में सूखा में खेती सहता रहेगा, हीराकुद बांध बन नहीं पाएगा? तो ठक्कर बाबा ने अम्बेडकर जी से जाके कहा 1945-44 में उसने प्लान बनाया, उस हिसाब से आज भी इस सभागृह में कई वरिष्ठ प्रशासक भी हैं, उनको मालूम है। तो उस समय जो गवर्नर थे बिफोर इंडिपेंडेंस, पहले एक शिलान्यास हुआ था, बाद में जवाहरलाल नेहरू 1948 में हीराकुद बांध का शिलान्यास किया। अंबेडकर का ये जो शुरुआत हुई ये अहमदनगर फोर्ट से हुई, पिताजी के एक खत के कारण।
और वहीं अहमदनगर पहुंची। पिताजी ने उड़ीसा का इतिहास लिखा था। उन्होंने खुद अपने फॉरवर्ड में लिखे हैं कि करीब 2 साल तक मुझे करीब 10 से 12 घंटा परिश्रम करना पड़ा ये किताब लिखने के लिए। 1948 में जब वो निकले, 46 में फिर प्रशासनिक दायित्व उनको मिला, 48 में किताब निकला, 4-5 महीने में अंग्रेजी का किताब भी निकल गया। पिछले 73 साल में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि इसका हिंदी अनुवाद किया जाए। धर्मेंद्र प्रधान जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे प्रेरित और मैं दिल से डॉक्टर शंकरलाल पुरोहित जी से भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इसको आज के स्वरूप में लाया। और सबसे ज़्यादा मैं कृतज्ञ रहूँगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के पास कि उन्होंने एक किताब को आज इस ऊंचाई पे पहुंचा दिया है। इस ऊंचाई हर एक भारतीय कि हम इस देश का एक अंश है। 130 करोड़ की आबादी वाले इस देश में ये लोग 4.5 करोड़ होंगे, तो हमारे ये 4.5 करोड़ जो जनता हैं वो इस देश का एक भाग है और हमारा एक इतिहास 2000 साल पुराना है। हमारी मैरिटाइम एक्टिविटीज़ इतने उज्जवल थे पर आज भी देश आगे बढ़ रहा है। जितने सारे बंदरगाह उड़ीसा में बन रहा है ये सारे सरदार पटेल, सरदार पटेल की भूमिका इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स में जो आज शायद को कम लोग चर्चा करते हैं, इस देश को बनाने में, आज का स्वाधीनोत्तर भारतवर्ष को बनाने में, इंडिपेंडेंट इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बनाने में, मानसिक स्तर पर हम एकात्म होए, इस बारे में अगर किसी को ज़्यादा सबसे ज़्यादा महत्व देनी है तो वे सरदार पटेल। बस दो चंद लाइन में यहाँ कोट करना चाहता हूँ। उन्होंने एक फॉरवर्ड में पिताजी का एक किताब में बिगिनिंग ऑफ द एंड में लिखे हैं, सेंचुरी से गो इट वॉज द प्राउड प्रिविलेज ऑफ कलिंगा टू अराउज अवेकनिंग इन द इन ए ग्रेट मोनार्क हू बिकेम इन द कोर्स ऑफ टाइम नॉट ओनली ए ग्रेट एंड वाइज सॉवरेन and suzerain, but also a great guide, friend and philosopher of his people. Few had dreamt and none had ever imagined that it would be from the same land that will start a revolutionary change which would achieve for India the same measure of unity and strength and security which India had attained under the distinguished ruler Ashoka. Unhone phir bhi likha, Dr. Mardar had more than 10 years ago, ye 1948 mein likh rahe hain, 10 years ago he conceived a future for Odisha which he had the good fortune to realize in his own lifetime. It has also been his proud privilege not only to make that future but also to lay the foundation of a brighter future still. He was the living spirit in the drama. His was the enthusiasm which triumphed over difficulties, and his was the persistence which at last succeeded. I am happy that I helped him to realize what was not only his dream and his ambition, but also the dream and ambition of all Odias. I am happier still that it was that backward province, as they call it, which led the way for the rest of India to follow. ये फॉरवर्ड सरदार पटेल ने लिखे थे पिताजी के किताब द बिगिनिंग ऑफ द एंड, एमल्गमेशन और मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स टू द यूनियन ऑफ इंडिया।
उसी के साथ उन्होंने और एक वाक्य लिखे थे जो हमारे दिल में हर एक बुढ़िया के दिल में वो बसे हैं। उन्हें पिताजी के बारे में जरूर लिखा था ईश्वर। उन्होंने कहा, लिखा है, ये ट्रू पेट्रियट इन दैट ही लव्स उड़ीसा एज वी ऑल लव बट लव्स इंडिया मोर। प्रोविंशियलिज्म आंचलिकतावाद है राजनीति में दूसरे कारण के भी, पर हमारे सपने दिल में ये है कि हम इस देश को नए दिल से प्यार करते हैं। और आज जिस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी पधारे हैं वो उसी को उजागर करते हैं। मैं और कुछ ना कहता है, इतना ही कहूंगा, इस देश कण कण में बसा है, हमारे देश प्रेम भी कण कण में बसा है।